नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास पेशकश लेकर। मैं हूं पूजा कवियागोमा। राजनीति में कहा जाता है कि लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर जाता है। लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी मंत्र को अपनाने का मन बना चुके हैं। जेडीयू और पार्टी के कई नेताओं ने 2014 में यूपी के प्रयागराज या फूलपुर या फिर मिर्जापुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि भले ही नीतीश खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बताते हों, लेकिन अंदर खाने उनकी तैयारी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में हैं। बिहार में भाजपा का साथ छोड़ने के बाद से ही उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ये मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एक मंच पर आने के लिए कहा था। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान ने सियासी हलकों में और हलचल मचा दी है। दरअसल ललन सिंह ने हालांकि स्पष्ट तौर पर नीतीश के चुनाव लड़ने की बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया। ललन सिंह ने कहा कि उन्हें यूपी की कई सीटों से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर है। उन्होंने कहा कि फूलपुर और मिर्जापुर की पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नीतीश वहां से दावेदारी पेश करें। अब ये नीतीश कुमार की इच्छा पर ही निर्भर होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। ललन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी को सबसे अहम राज्य मानते हैं। ललन सिंह के मुताबिक यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी के उत्तर प्रदेश से 65 सांसद हैं और अगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार समेत अन्य विपक्षी दल साथ आते हैं तो बीजेपी को 15 से 20 सीटों तक सिमटकर रख दिया जाएगा। फूलपुर उत्तर प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रह चुके थे। इसके अलावा कई अन्य बड़े नाम भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल यहां से बीजेपी की सांसद केशरी देवी पटेल सांसद हैं। इस सीट से नीतीश अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जातीय समीकरणों का लाभ भी मिल सकता है। दरअसल अगर जातीय समीकरणों को समझा जाए तो फूलपुर सीट के कुल 18 लाख वोटरों में से 17% मतदाता कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अगर सपा उन्हें सपोर्ट करती है तो उन्हें यादव और मुस्लिम वोटरों का भी साथ मिल सकता है। अगर नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर वाराणसी पर भी असर डाल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में नीतीश उनकी करीबी सीटों से दावा ठोककर बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद से नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? नीतीश खुद को पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बता रहे, लेकिन क्या वो चाहते हैं कि विपक्ष खुद उनको विपक्षी दलों की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि यूपी में जेडीयू का कोई संगठन नहीं है। कुछ जिलों में जेडीयू का संगठन है, वो भी बहुत कमजोर है। ऐसे में कमजोर संगठन के नीतीश यूपी का किला कैसे फतह कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नीतीश का मिशन 2024 क्या संकेत दे रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आय सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ सपा की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर के त्रिपाठी जी आप ही से, क्योंकि बार बार सवाल नीतीश कुमार को लेकर और जो 2024 की तैयारी वो कर रहे हैं अंदर खामे, हालांकि जिस तरह से वो ये बात को इनकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की ना तो दावेदारी की कोई इनकी इच्छा है ना ही मंशा है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से तमाम दलों के तमाम संगठनों के नेतृत्व को वो मिल रहे हैं, प्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है, दिल्ली में लगातार कई बड़े चेहरों से मुलाकात की है, उससे सियासी हवा चल रही है, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देश की राजनीति परिवर्तन संभावी है लोकतंत्र में, और माननीय नीतीश कुमार ने जो फैसला बिहार में लिया है वो आरजेडी के साथ जाकर के वो कहीं न कहीं एक लंबे मिशन की तरफ इशारा करता है। उसके बाद जैसे ही वहां पे परिवर्तन हुआ तो दिल्ली में आकर के वो सारे विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं
उन सबसे संपर्क करके और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में शिकस्त दे सकें। उसके लिए एक प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है। उस प्रयास में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनूप सिंह पटेल ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव दिया है कि माननीय नीतीश कुमार को हमारे उत्तर प्रदेश से चार जगह से चुनाव लड़े। आपका नंबर एक अम्बेडकर नगर है, दूसरा आपका मिर्जापुर है, तीसरा आपका फूलपुर है, फतेहपुर है। इन चार जगहों से हमने उनसे कहा आप आइए और हम आपका स्वागत करते हैं और एक मजबूती के साथ आपको लड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देश की राजनीति। लेकिन के त्रिपाठी जी, ये जरा मुझे बताइए कि जेडीयू का वहाँ कोई संगठन नहीं है, कोई आधार नहीं है, कमजोर वहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि कितना कमजोर है, जनाधार नहीं है, उन सबको मजबूत कैसे करेंगे? पहले तो संगठन मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो चुनाव लड़ने की बात होगी। मैं उसमें सहमत हूँ, लेकिन जो माननीय नीतीश कुमार का कद है, जो नीतीश कुमार के चेहरा है, वो उत्तर प्रदेश में सब पर भारी पड़ेगा। और सपा के साथ अगर हम जुटते हैं तो हमें ओबीसी का वोट प्लस मुस्लिम का वोट बहुत हो जाएगा, उसमें हमारा वोट कहीं कटेगा नहीं। और उनके लड़ने से उस 10-15 सीटों पे प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे वो यहाँ। लेकिन उस कमजोर संगठन के साथ नीतीश यूपी का किला कैसे फतह करने की रणनीति बना रहे हैं, ये अभी मुझे जरा समझ नहीं आ रही। ये मुझे कोशिशें समझ नहीं आ रही। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर इसको लग रहा है कि आपको वो सपोर्ट, वो समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद वो कॉन्फिडेंस आप में नजर आ रहा है। पूजा जी, गठबंधन जब होगा तो उसमें और तमाम अन्य दल आएंगे, तो उससे भी हमारी ताकत बढ़ेगी। और बगैर गठबंधन के हम हिंदुस्तान के जो बीजेपी का जो चल रहा है कि नरेंद्र मोदी, तो उसको हम अगर शिकस्त देना चाहते तो हमारे सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। और ये बड़ा मुफीद फैसला होगा हमारे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देश की राजनीति का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। ये चाहे नेहरू जी का रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का रहा हो, चाहे राजीव गांधी का रहा हो, ये सारे लोग, चाहे अटल बिहारी जी का रहा हो, इवन माननीय नरेंद्र मोदी भी बनारस से दो बार से लड़ रहे हैं। तो अगर किसी को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के पद पे जाना है तो उसको उत्तर प्रदेश से ही जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लोकसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें बिहार में है, झारखंड में है, और हमारी वेस्ट बंगाल में, इनको मिला के लगभग 200 के आसपास सीटें होंगी। चलिए ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये संगठन मजबूत करने की बात, और ये संगठन मजबूत कैसे होगा, किसका सपोर्ट आपको मिल पाएगा, ये बहुत सारे सवाल है। आएंगे एक एक करके आएंगे त्रिपाठी जी, औरों को भी मौका देना है। प्रोफेसर भुवन जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से अब नीतीश कुमार एकमात्र चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात हो रही है कईयों से, और अब तो खुद अखिलेश भी ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों को और हवा दे रहे हैं और हामी भरी जा रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में जेडीयू का इस तरह से कदम रखना, सीटों का ऑफर देना, ये क्या 2024 के जो नए सियासी समीकरण है वो क्या संकेत दे रहे हैं इस वक्त? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, भुवन जी शायद और उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। आज लोगों में उत्तर प्रदेश में इस बात का बहुत विरोध है, और जैसा की यादव जी ने कहा है कि हम लगातार ऐसे तत्वों से लड़ने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव को देखते हुए समाजवादी पार्टी, और इसमें अगर कुमार जी को राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते उत्तर प्रदेश से तो उनका स्वागत है। और अभी मैं आपके बहस को सुन पा रहा था तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अपन मुख्य भूमिका में और भूमिका में इस तौर पर अगर नहीं, इससे पहले हम देख चुके हैं प्रोफेसर भुवन जी, चाहे बात हम अखिलेश और राहुल की करें, जनता को वो भी साथ पसंद नहीं आया, बुआ भतीजे का साथ भी पसंद नहीं आया। आपको लग रहा है कि जेडीयू के आने से या इस तरह से सीटों को आपको देने से कोई फायदा होगा? और जब खुद समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका में है तो वो भूमिका आगे आकर फ्रंट लेवल पे होकर क्यों नहीं लड़ी जा रही,
क्यों यहाँ पर दूसरों को संगठन को लाने की कोशिश की जा रही है, क्यों दूसरी पार्टियों का सहारा लिया जा रहा है फिर? पूजा जी, मैं आप चाहता हूँ समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत में है। इस आपने विधानसभा चुनाव में बार बार विभिन्न, मैं आपको बता सकता हूँ, राजनीति शास्त्र होने के कारण राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, और विज्ञान का प्रयोग कई होते हैं, कई बार लोगों से सीखे कर आगे बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जो हर बार एक्सपेरिमेंट रहा है, ये अमूमन फेल साबित हुआ है। जनता ने सिरे से नकार दिया है इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, इस पर भी इसीलिए विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर माननीय नीतीश कुमार से हमारे गठबंधन से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी प्लस जनता दल यूनाइटेड एक मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और बड़ी बेसब्री से चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्या इस वक्त लग रहा है आई सिंह जी आपको, जिस तरह से अब बीजेपी को लगातार घेराव करने के लिए नीतीश सभी दलों का साथ चाह रहे हैं, महागठबंधन की वो तैयारी कर रहे हैं और सबसे मुलाकात भी कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती वो देने वाले हैं, 2024 में तैयार रहने की जरूरत है इस वक्त क्या बीजेपी को? नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने बलबूते से कभी सरकार नहीं बना पाए, और जब से हमारा साथ टूटा है, बिहार की स्थिति आप देख रही होगी, जो आप एक पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा बेहतरीन और कौन समझ सकता है कि जिस दिन से हमारा गठबंधन टूटा है, बिहार जंगल राज बन चुका है। कल नहीं, बिहार में पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वालों को मारा गया है और बुरी तरह से पीट पीट के और मुलजिम को छुड़ा ले जाते हैं और डेली वहां मर्डर हो रहे हैं। तो अभी वर्तमान में वहां मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की जो योग्यता है वो सामने नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार कोशिश जरूर कर रहे हैं मगर वो नाकाम कोशिश है, क्योंकि देश पूरा जान चुका है कि नीतीश कुमार एक कैसे शख्स है तो बिहार नहीं संभाल पा रहे, वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है, बिहार की भी समझदार है, बिहार की भी ये नहीं कि नहीं समझदार है, वो भी बहुत समझदार है, मगर वो कुछ ना कुछ ऐसे समीकरण वहां बैठ जाते हैं कि इस तरह की पार्टियां आ जाती है वहां पर। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, एक चेहरा तो अब नजर आने लगा है ना, एक नेतृत्व तो नजर आने लगा है धीरे धीरे ही, सही, एक चेहरा तो लोगों के बीच में अब विकल्प के तौर पर आने लगा है कि भाई एक चेहरा ये भी हो सकता है। अब इससे कई तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने आ गई हैं, क्योंकि अगर सोचिए जिस तरह का जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही नहीं उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी कैसे साधा जाए, इस पर भी फोकस है इस वक्त इन सभी पार्टियों का। बात आज की जा रही है नीतीश कुमार के मिशन 2024 की, कितना कामयाब वो होने वाले हैं और क्या इस बार उत्तर प्रदेश से उसकी नई तस्वीर, उसकी नई वानगी देखने को मिलेगी, इसी को लेकर खास चर्चा हमारी लगातार चल रही है। त्रिपाठी जी, आपसे जरा अब हम ये समझना चाहेंगे और आपसे ये सवाल है कि इस वक्त बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, कल हमने देखा कि कटिहार में किस तरह से घटना घटित हुई, अब ये जो घटना है ये संकेत दे रही है कि पहले मुख्यमंत्री साहब अपना राज्य तो संभाल लें, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के सपने देखें, पहले जो राज्य में हो रहा है उस पर तो नजर दौड़ानी पड़ेगी ना, क्या हो रहा है वहां पर, आपराधिक घटनाएं कैसे बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए पूजा जी, घटनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हो रही, राजस्थान में भी घटनाएं हो रही है, और अभी जल्दी ही माननीय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो दीजिए उनको काम करने के लिए, और आज ही के बाद आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए बदायूं में घटना घटी, नहीं आप तो हमेशा से ही सरकार में है ना, और उत्तर प्रदेश गठबंधन तो किसी के साथ भी चले, लेकिन आप तो हमेशा से मेन स्ट्रीम लाइन में तो आप हमेशा से रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वो रहे हैं ना हमेशा से, और बिहार को, बिहार में गृह मंत्रालय तो उनके पास ही रहा है, विभाग में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुक्त बनाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया था, इसके पहले अपहरण, छिनैती और जितनी घटनाएं होती थी उससे उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी उस पर कोई प्रक्रिया देना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहे, और उसको बिहार से जोड़ना माननीय नीतीश कुमार का, माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को एक एक आदर्श स्टेट बना करके आगे किया है,
और उस स्टेट की जितनी योजनाएं तो भारत सरकार ने उसमें से कुछ योजनाओं को लॉन्च किया है, चाहे वो नल जल त्रिपाठी जी आप ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि समय लगेगा अभी भी नई सरकार है, आप तो हमेशा से मेन स्ट्रीम में रहे हैं ना, आप कहां सरकार से गायब रहे? नहीं नहीं हम मेन स्ट्रीम में रहे तो हमने बिहार को आगे किया, हमारी जीडीपी 11% है वहाँ की जीडीपी 11% अपराध में, अपराध की बात हो रही है या क्राइम की बात हो रही है, उसमें भी क्या नंबर वन करेंगे? देखिए ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं इसकी इस पॉइंट पे तो हर प्रदेश में प्रॉब्लम है, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या महाराष्ट्र में नहीं है, क्या आपके राजस्थान में नहीं है, या ऐसी समस्या है कि इस पे कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती, बड़ा प्रदेश है इसलिए इन घटनाओं से प्रधानमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू को साइडलाइन करने के लिए नीतीश को मुख्यमंत्री का जो तमका लेके चल रहे हैं उससे हटाने के लिए प्रधानमंत्री का सपना उन्हें दिखाया जा रहा है, बाकी की पार्टियां कहीं बिहार में हावी हो जाए? पूजा जी क्या गुजरात में घटनाएं नहीं हो रही है? घटनाएं तो हर जगह हो रही है, जहाँ इंसान रहेंगे जहाँ लोग रहेंगे वहाँ कुछ कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन उन घटनाओं पर कार्रवाई क्या हो रही है, बड़ा सवाल ये है ना त्रिपाठी जी। देखिए जहाँ मानव रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, वहाँ अपराध भी होगा, ये किस तरह का आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? पूजा जी अगर कोई घटना हो रही है उस पर संज्ञान क्या हो रहा है, उस पर कार्रवाई क्या हो रही है, उस पर एक्शन कितना लिया जा रहा है, वो आपकी सरकार को आपकी पार्टी को देखना होगा। पूजा जी बेगूसराय वाले घटने पे सबकी गिरफ्तारी हो गई, उनका इंटरोगेशन चल रहा है, जल्दी जल्दी उसका खुलासा हो जाए। जितनी भी घटनाएं हो रही है उस पर माननीय नीतीश कुमार ने किसी को बख्शा नहीं है, आप इतिहास उठा के उनका देख लीजिए, बड़ा से बड़ा माफिया अंदर चला गया है, बड़े से बड़े माफिया को उन्होंने अंदर किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं ऐसी घटनाएं हुई है तो प्रोफेसर भुवन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माननीय नीतीश कुमार सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है भुवन जी कुछ कहना आप चाह रहे थे, सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी पे जिस तरह का सवाल उठ रहा है कैप्टन साहब, हर राज्य में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फोकस बीजेपी बार बार बिहार को करने की कोशिश में है, कुछ ही वक्त हुआ है, साथ तो आप भी थे इनके, तब क्या आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी, ये भी बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन मिशन 2024 की जब हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? पूजा जी नीतीश कुमार को हम चुनौती का कुछ भी नहीं मानते, नीतीश कुमार कुछ है ही नहीं, नीतीश कुमार एक वो कहते हैं ना पानी का बबूला है, फूलता है फूट जाता है, तो बस इससे ज्यादा मैं उनको कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये दुनिया ने देख लिया कि जिस दिन से हमारा साथ टूटा है नीतीश कुमार की बिहार की क्या हालत हो गई, नीतीश कुमार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, 28 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल पर बैठ के गुंडे सरे आम फायर करते हैं, लोगों को गोलियां मारते हैं, मगर वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और वही उत्तर प्रदेश में जो दलित लड़कियों के साथ दुराचार हुआ, हमारे यहाँ 24 घंटे नहीं हुए उससे पहले हमने सारे के सारे अपराधी पकड़ के और जेल में डाल दिए हैं, तो हमारे यहाँ होते जरूर है मगर अपराधी भाग नहीं पाते, बच नहीं पाते, मगर इनके यहाँ तो अपराधियों पे हाथ ही नहीं डाला जा रहा, क्योंकि ये डालेंगे कैसे? नीतीश कुमार की औकात नहीं की अपराधियों को पकड़ने के, अपराधी सारे आरजेडी के हैं, इनकी क्या औकात है उनपे हाथ डाल देंगे? अपराधी पकड़े जा चुके हैं नीतीश कुमार बेगूसराय के सारे अपराधी जेल में, ठीक है, गरीब को बंद कराओ, इनके साथ बोला नहीं है, बिल्कुल गरीब को बोला एक बार भी किसी को नहीं बोला, नीतीश कुमार की स्थिति आज सिर्फ मनमोहन जैसी हो रही है, जब मनमोहन प्रधानमंत्री तो बन गए थे मगर अपने मन से कुछ नहीं कर पाते थे, वो आज नीतीश कुमार का हाल है, नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, जनता मारी जा रही है, आपके साथ तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन जी, प्रोफेसर भुवन जी से पूछिए, जब उनके साथ से तुमने बर्बाद नहीं किया, ठीक है प्रोफेसर भुवन जी, यहाँ पर लगातार जो है विपक्षी दलों को जो एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार के साथ आप नजर आ रहे हैं, क्या समझा जाए 2024 की यही रणनीति रहने वाली है, चेहरा नीतीश कुमार रहने वाले हैं? देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम ये चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व करें, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया है कि हम विपक्षी लोगों को एक करेंगे, और अगर माननीय नीतीश कुमार जी आगे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें ऑफर करा कि यहाँ आते आप लड़ सकते हैं करके। और दूसरी बात, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था,
ये लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनके नेतृत्व ने क्या वहां झक मारने के लिए उनको अभी तक आगे किया हुआ था? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि जब तक इनके साथ रहो तो आप पवित्र है। जब आप इनके साथ रहते हैं, खत्म हुआ है, उस दिन बिहार में कोई शासन काल नहीं बचा है, ना कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बचा है, आज बिहार अपराधी है और अपराध दूसरे को सीख कर रहा है। हमारे शासन काल में प्रदेश में करके दिखा दीजिए आप समाजवादी के कानून में नीतीश कुमार की तो कसीदे काटे गए हैं, समाजवादी के कारण भी उनसे बढ़िया थे जो हो रहा है नहीं, समाजवादी के कारण उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो तुम दोनों ही चट्टे बट्टे हो, अंतर नहीं है तुम में, एक जैसे हो, क्योंकि दोनों ही एक परिवार की पार्टियां हो, तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश क्या है, एक परिवार की पार्टी है, अखिलेश परिवार से बाहर निकले कभी, अखिलेश की पार्टी क्या है, करिए आपके प्रधानमंत्री सारी मीटिंग में कहते थे। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार की सियासी हसरतें क्या है, वो किस तरह से परवाज चढ़ रही है वो हम देख रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कितनी विपक्षी एकता देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा की हमने नीतीश कुमार आखिरकार मिशन 2024 को लेकर किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब विपक्ष की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपने अपने फलसफा है, तो आखिरकार उस विपक्षी एकता को कैसे कामयाबी मिल पाएगी। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।